तो हेलो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अगर गलती से आपका कोई भी इमेज आपसे डिलीट हो गया है तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इसी के बारे में जानेंगे। अगर आपके मोबाइल से कोई भी फोटो वगैरह जो भी है डिलीट हो गई है आपसे गलती से, तो उसको रिकवर करना आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसे टैक्स से रिलेटेड अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज को बनाता रहता हूं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर मैं वहीं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे फोटो को रिकवर किया जाता है। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप लोगों को करना क्या है। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पर आनी है, एंड प्ले स्टोर के सर्च बार पर आपको टाइप करनी है डिस्क डिगर। सिंपली यहां पर आनी है एंड यहां पर टाइप कर देनी है DISK डिस्क डिगर। यहां पर देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका जो मतलब पूरा इंटरफेस है कुछ इस टाइप का खुल के आएगा। यहाँ पर देख सकते हो इसका लोगो, एंड इसका रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छा है, 3.9 इसका रेटिंग है, एंड 350 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड करा है, एंड इसका जो मतलब रिव्यू है वो 3 लाख 3.5 लाख के लगभग है। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है फ्रेंड्स फोटो रिकवरी का। अदरवाइज़ इसको मतलब आप बहुत ही स्मूथली तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं ओपन करूँगा, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ था। तो सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देनी है, एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देने के बाद आपको सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा ओपन का। तो सिंपली आपको क्या करनी है, ओपन पे क्लिक कर देनी है। तो इसका देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका ओपनिंग इंटरफेस जो है कुछ इस टाइप का नज़र आएगा आपको आपके सामने। एंड यहाँ पर आपको क्या करनी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है बेसिक स्कैन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है बेसिक स्कैन। तो यहाँ पर आपको टैप कर देनी है, ठीक है, बेसिक स्कैन में टैप करने के बाद ये अभी लेगा नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर एक बार रिफ्रेश मार लेनी। रिफ्रेश मारने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुड नॉट डिटेक्ट दी इंटरनल मेमोरी ऑन योर डिवाइस। मतलब मेरा जो मतलब मेरे फोन में है वो मेमोरी, कोई भी मेमोरी नहीं लगा है, जिसके कारण से ये रिकवरी मोड नहीं खुलेगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर लिखा वाइप फ्री स्पेस, जैसे स्टार्ट वीपिंग फ्री स्पेस, यहाँ पर मेरा उड़ जाएगा पूरा ही, मतलब जितना भी है डाटा वगैरह मेरे फ़ोन में वो उड़ जाएगा। यहाँ लिखा है स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बेसिक मतलब अगर मेमोरी लगा हुआ रहता तो ज़्यादा स्कैनिंग डीप स्कैनिंग में लेता, लेकिन मेरा फ़ोन का जो स्कैनिंग है वो आप देख लेते हैं, बेसिक स्कैनिंग फोटो का वो देख लेते हैं कितना तक लेता है। सिंपली आपको फोटो रिकवर करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन यहाँ पर क्लिक कर देनी है। जैसे तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा, नेक्स्ट इंटरफेस। तो सिंपली आपको फोटो रिकवर करने के लिए आपको क्या करनी है, आपको सेटिंग पर आनी है, एंड सेटिंग्स पर आने के बाद आपके फोटो का जो मैक्सिमम मिनिमम जो साइज़ था, मतलब क्या साइज़ में आप लेना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, मीडियम स्मॉल या फिर लार्ज में आपको सिंपली क्लिक कर देनी है। जो आपका मीडियम डेट था, कब आपने डिलीट की थी वो फ़ोटो, आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद मैक्सिमम फाइल डेट, जितना भी मैक्सिमम फाइल डेट कितना था वो ऐड कर देनी है, सेम टू सेम, ये दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है, मिनिमम फाइल डेट एंड मैक्सिमम फाइल डेट का टाइप कर देने के बाद आपको ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपको रिकवर पे क्लिक कर देनी है। मेरा कोई भी फोटो डिलीट नहीं हुआ था इस डेट को, इसीलिए मेरा रिकवर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का आप अपने मोबाइल से कोई भी फोटो को रिकवर कर सकते हो इजीली तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप का फोटो मतलब इजीली तरीके से रिकवर कर सकते हो अपने मोबाइल से इस एप्लीकेशन से। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ जानकारी। अगर ये छोटी सी जानकारी फ्रेंड्स इमेज रिकवर करने की मोबाइल से आप लोगों को अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसे टैक्स से रिलेटेड अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज को बनाता रहता हूं आपके लिए। तो मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।